डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं विद्युत विभवांतर। पिछली क्लास में हमने विद्युत विभव को पढ़ा था। विभवांतर क्या है? विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। इस बिंदु का विभव मान लेते हैं हम बी ए है और इस बी बिंदु पर जो विभव है ये है बी बी। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो मान लो यहाँ से हम किसी यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को रखें क्यू नॉट को, और उसको यहाँ से और यहाँ तक लाने में अपने को कार्य करना पड़ा मान लो डब्ल्यू बी ए। बी से ए तक जब हम इस आवेश को लेकर आएंगे तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा मान लो डब्ल्यू बी ए। तो विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करते हैं? देखो, क्यू नॉट आवेश को लाने में अपने को कितना कार्य करना पड़ा डब्ल्यू, तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। इसको हम बोलेंगे बिंदु ए और बी के मध्य का विभवांतर, जिसको हम लिखेंगे बी ए माइनस वी बी। तो विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर अपने को लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे बी ए माइनस वी बी। और फॉर्मूला हो जाएगा इसका डब्ल्यू बी से ए तक का कार्य बटे में आवेश। क्लियर है? ये है अपना विभवांतर। ये विभव की तरह ही है, बस विभव में हम अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते थे, इसमें हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेकर आते हैं। जैसे आवेश को लाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को इधर भगाएगा, ये धनावेश और विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो हम जब इसको इधर लेकर आते हैं तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वो कार्य है डब्ल्यू बी ए। चलो, मात्रक की अगर हम बात करें, तो डायग्राम दिमाग में होना चाहिए जब भी विभवांतर हम पढ़ते हैं। तो देखो, मात्र कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का वही कूलाम, तो इसका मात्रक भी हो जाएगा जूल पर कूलाम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्लियर है? सीजीएस मात्रक भी वही होगा जो विभव का होता था, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा इसका स्टैट वोल्ट। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें अपने को विभवांतर के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और अपना जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और ये बिंदु है बी। मान लो यहाँ पर हमने 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा और उसको यहाँ से और यहाँ तक लाने में अपने को कार्य करना पड़ा मान लो डब्ल्यू बी ए। बी से ए तक लाने में जो कार्य है वो है अपना 50 जूल। तो आपसे पूछा गया है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बताओ। देखो, विभवांतर हम लिखेंगे बी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन में डब्ल्यू बी ए की वैल्यू कितनी है 50, आवेश कितना दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 5, ये 10^-6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। मान लो दो स्थान है, एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है। इस स्थान पर विभव है मान लो बिंदु B है, ये बिंदु A है। तो इस बिंदु B पर जो विभव है VB, ये दे रखा है अपने को 15 वोल्ट और A बिंदु पर जो विभव है
ज्ञात करना है। साथ ही क्वेश्चन में ये दे रखा है कि छह गुलाम आवेश को, आवेश का मान दे रखा है यहाँ पे नोट इक्वल्स टू छह गुलाम, इसको यहाँ से और यहाँ पर लेकर आते हैं, तो अपने को जो कार्य करना पड़ रहा है डब्ल्यू बी ए वो दे रखा है 150 जूल। तो आपसे पूछा गया है ए और बी के मध्य विभांतर ज्ञात करो, मतलब बी ए माइनस बी भी पूछा गया है अपने से। तो देखो अपने को पता है फॉर्मूला विभांतर का होता है बी ए माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन डब्ल्यू बी ए की वैल्यू अपने को गिवन है 150, क्यू नॉट किया हुआ है 6, बी ए की वैल्यू बी है जो अपने को ज्ञात करनी है, माइनस बी बी गिवन है 15, ये यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये जाएगा बी प्लस 15 बराबर, इसको कैंसिल कर लो, देखो ये हो जाएगा 25, क्लियर है। तो यहाँ से बी को हम लिख देंगे, आगे लिख देंगे, देखो तो बी प्लस हो जाएगा 25 माइनस 15 दिया जाता है 10 वोल्ट, क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा अपना। थैंक यू। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक में आप लोग कर सकते हो, एग्जांपल 3.2 3.3। थैंक यू।